जी सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उमैर सवासी एंड आज है जी फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट डे यूनिवर्सिटी में। और मतलब कि जुमेरात के दिन से एक क्लास होती है हमारी, जुमेरात के दिन हमारी सिर्फ एक क्लास होती थी शाम। बट आज आज एक मेकअप क्लास भी है इलस्ट्रेशन की, बेसिकली इलस्ट्रेशन की जो है वो क्लास में ख़त्म हो गई थी। सर ने कहा मतलब सब सफाई हो गया इसका, बट सडनली से सर ने कहा एक मेकअप क्लास है हमारी जो हुई नहीं है, तो एक छुट्टी की क्लास है तो वो आज होगी। तो आज 10 बजे क्लास है और अभी तकरीबन 9 बजने वाले हैं, तो निकलते हैं जल्दी से बस। और टोटल 4 सब्जेक्ट आपके भाई ने उठाए थे इसमें, और डिजिटल ऑडियो वीडियो, डिजिटल इलस्ट्रेशन, कैमरा लाइटिंग टेक्निक्स एंड एक है जी फिलोसफी। मैं 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके जो है वो हमें प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं, और एक जो है फिलोसफी वो है जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब फिलोसफी जो रिटन सब्जेक्ट है, थ्योरी का सब्जेक्ट है। तो मतलब बस वही उसी को करवाना है, और मतलब पेपर सिर्फ उसी का होगा, बाकी चीज़ों को जो है प्रोडक्ट में सबमिट करवाना। तो आज क्लास लेने के लिए चलते हैं और मैं जैसे चेंज वेंज कर लेता हूँ। यार गाइस, मैं छुट्टी के मूड में था आज, बट फिलहाल रेडी हो चुका हूँ। तो फिर मैंने कहा लास्ट डे यार, क्या छुट्टी करके करने चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं और बस निकलते हैं कि बस रेडी है। तो भाई बताएं कॉमर्स में कैसा लग रहा हूँ। मैं आप लोग को बताना भूल गया था, वो ये थी कि आज 13 जून है और जुमेरात है, और जुमे को मेरी मतलब मेरी क्लासेस नहीं होती तो मैं नहीं जाता, जो मैं सिर्फ जुमेरात से जाता हूँ। तो इस वजह से आज मतलब प्रैक्टिकली देखे जाए तो, लॉजिकली देखा जाए तो लास्ट डे है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम से पहले, ईद के बाद एग्ज़ाम। तो गाइस आई वाज लिसनिंग टू करण औजला, करण था एडमायरिंग भाई। आई जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग दिस गाय जस्ट कपल ऑफ डेज बैक, एंड दिस गाय सुपर लेजिट यार। इस बंदे के गाने जो बहुत अमेजिंग थे, पहले मैं फारिश शरीफ को काफ़ी सुनता था, बट नाउ करण औजला इज नाउ एड अप इन माय लिस्ट। तो मैं गाने सुनता हूँ कि आई हैव मेड माई प्ले लिस्ट ऑन माई फोन, मतलब यूजली सब लोग ऐसे सुनते हैं, बट जो एक तरीका है वो ये है कि मैं डाउनलोड करके सुनता हूँ। सो आई डोंट यूज स्पॉटिफाई, बिकॉज आई डोंट हैव डायरेक्ट कनेक्ट ऑल द टाइम, तो स्पॉटिफाई पे सुनता हूँ। तो बाकी यस बस अभी ये जो ट्रैक है, एक वॉकिंग ट्रैक है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये वाला है, ये वॉकिंग ट्रैक है जिसके ऊपर से नो पैदल चलने वाले हजरात जाते हैं। गाइस फाइनली वी हैव अराइव्ड, और अभी हमारी मीडिया लैब में क्लास है जो बेसिकली ज़्यादा एडिटिंग के लिए यूज़ होती है, हमारे वहाँ पे ऑडियो वीडियो क्लास भी होती थी। तो अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे क्लास है आज मेकअप, हमको भी दिखाता हूँ। लेट्स गो। क्या सुन रहे हैं सर आप? यार ये इसमें का गाना नहीं है, प्रॉमिसेस बाय श्याम ऑन इसमें। माय श्याम क्या इसको समझिए, आप लोग ऐसा हो कि आप सेकंड में पड़ जाए या फिर अगर आप हो जाए ऐसे ही गाइस। क्लास में फोटोग्राफी हो रही है भाई, हमारे फोटोग्राफर अबू बकर
सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? आपका थर्ड सेमेस्टर एंड होने वाला है, आज आपका ऑलमोस्ट लास्ट डे है। यार मैं कल भी आऊँगा वैसे, कल माशाल्लाह। और कुछ ख़ास कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे भाई, पता नहीं क्या मतलब कि कोई कोई मोटिवेशनल लाइन बता दे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि आप लोग मेहनत करें और सेल्फ इम्प्रूव। कैसे गोल किक मारते हैं आग वाली जंग जो यार, वो जंप कर किक मारना। भाई फैमिली कॉन्टेंट है, गाली ना दो तो डाल देना इसमें कि फैमिली ने। वो मैं टू कर दूंगा। यहाँ फाइनल प्रोजेक्ट हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, यू कैन सी। बात पूछी हुई है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम आ गए हैं यहाँ पे काला के ऊपर। Well, the real Slim Shady, please stand up. पता क्या बोला जाते हैं पंजाबी में? आपकी चांद तो ज्यादा है सत्य वो जान। ऑल राइट गाइस, तो अभी गर्मी पड़ी थी तो हम लोग गए थे रेलवे, तो वहाँ पे एक कैफे सा बना होता है, मतलब एक है रेलवे स्टेशन पर वहाँ कैफे सा बना होता है। तो अभी वहाँ से जो है वो आए हैं, मेरे दोस्तों की क्लास थी, वो चले गए क्लास लेने के लिए। अभी मैंने बैंक से पैसे निकलवाए, हमारी यूनिवर्सिटी में एक बैंक बना हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? यूनिवर्सिटी में एक बैंक बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ से पैसे निकलवाते हैं यहाँ। फॉर्चुनेटली यार ट्रांजेक्शन नहीं हो सकी, मेरे अकाउंट में 10,014 रुपये थे और ये HBL का है तो मेरा लाइट में अकाउंट है, तो थोड़े से पैसे कटते हैं तो ऊपर थे नहीं तो अलर्ट से निकलवाने पड़ेंगे जाके। सॉरी। सो गाइस, मैं बैठा था लॉबी में अकेला और मुझे मिला शिराज। ठीक है, शिराज का एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसका हमें सोल्यूशन निकालना था। तो हुआ क्या था कि उसको अपनी डिग्री को ADP में कन्वर्ट करवाना था, जो बेसिकली 2 साल की डिग्री होती है। लेट मी डू दिस वन। ओके, सो उसको अपनी डिग्री को 2 साल की डिग्री में कन्वर्ट करवाना था, बट उन्होंने उनसे बात की एडमिशन ऑफिस में। पहले तो हम लोग एडमिशन ऑफिस गए, फिर स्टूडेंट ऑफिस गए, तो उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ADP अभी हमने शुरू किया है। तो एक चीज हम कर सकते हैं कि आपको लिख के ये दे सकते हैं कि आपने यहाँ से 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए, इस तरह से आपको जॉब मिल जाए। क्योंकि वो एक जॉब पुलिस में अप्लाई कर रहा था तो उसको ADP की डिग्री की जरूरत थी, मतलब एक डिग्री की पर्टिकुलरली जरूरत थी। तो हमने क्या किया कि उन्होंने मतलब पहले कहा ईमेल करो, फिर ईमेल करने की घंटे बाद हम लोग गए तो उन्होंने हमें जो है वो लिख कर दे दिया कि मतलब ये सीन है कि ये बंदा लड़का जो है हमारे यहाँ से 4 सेमेस्टर पर्टिकुलरली कम्प्लीट किए हैं फ्लैट GPA के साथ। हर सेमेस्टर के एंड पे हम हर एक शख्स से अच्छी बात पूछते हैं, अब आज बताएं क्या अच्छी बात शेयर करें। मजेदार फिल्म का जैसे क्लिक पेपर यार, काफ़ी कमाल का कहाँ से डाउनलोड किया भाई ने, इट लुक्स अमेजिंग। पहले भी हमारी डल है। Guys, let's play Taken. So let's. Okay. Players use करते हैं जी, हाँ ये भाई सब ठीक करते। Alright. So lucky game. वो हम खेलते भी हैं। मिस्टर हुनैन साहब भी हम जो है ना, अभी हमारी फिलासफी की क्लास है, फिलासफी क्लास लेने के लिए जाने लगे हैं, 5 बजे होगी। और उसके बाद याद आखिरी दिन था फोर्थ सेमेस्टर का। आपकी क्लास है? माशाल्लाह मेरी क्लास मेरी नहीं है, वह मेरा फ्री होता है, तो चलते हैं क्लास। हमारी क्लास में नहीं है
के अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाने हैं कार्ड, तो अभी चल से निकालते हैं। स्किन चेक करें आप, इस पर लिखा हुआ है भाई पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो बड़े मज़े की स्किन लगाई, बार पैसे निकलवाते हैं। पैसे निकल आए जनाब, जाके देते हैं उनको। मोहतरम कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम आज लास्ट डे है सेमेस्टर का, आपका कैसा गुजरा सेमेस्टर? यार ये आई थिंक अब फोर्थ सेमेस्टर है ना? जी जी बिल्कुल, चौथा सेमेस्टर है। और ये वो सॉरी मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। तो बात ये कि ये सेमेस्टर है ना, इसमें फाइनली मुझे कुछ सीखने को मिला है। मुझे ऐसा लगता है इससे पहले जो दो तीन सेमेस्टर हमने गुजारे वो अल्हम्दुलिल्लाह फुल लोगों को कुछ सीखने को मिला ही नहीं, और इसमें ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है जी कि अभी तक यूनिवर्सिटी से कहते हैं ना यूनिवर्सिटी लाइफ वो कख नहीं हुआ जी अभी तक हमारा साथ कुछ ऐसा। बट इस सेमेस्टर में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है मेरा, तो थोड़ा लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ है, थोड़ा सीखने को ज़्यादा कुछ मिला है। और गर्मी इस बारी कुत्ते किस्म की थी, जब बाहर हम बाइक पर निकलते हैं तो आगे से रख रख के फटकारे मारती है। और बस यही है जनाब, पूछते हैं कि किसी एक अच्छे जुमले में वो कोई बात बताना चाहें हमें। किसी एक अच्छे जुमले में कोई बात बताना चाहें? कोई बात नहीं है। ओके जी, थैंक यू। तो गाइस पर्टिकुलर जो जगह मैंने अभी आपको दिखाई है वो था विक्की सोडा जी, मतलब आते हैं मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ। इनकी अच्छी बात क्या है, मैं पिछले वही बस आया था वजात के साथ, मुझे नमाज़ पढ़नी थी और ऑलमोस्ट मैंने नमाज़ पढ़ाई थी जिनसे मतलब जा चुका था या जा रहा था। अभी देखा कि इन्होंने छोटी सी एक जगह पर्टिकुलरली नमाज के लिए बनाई थी, जहाँ पर आप जाके वहाँ अदा कर सकते, इतनी बड़ी नहीं है बस छोटी सी अभी, और वहाँ पर दिखा था कि यहाँ पर आप आके नमाज़ पढ़ सकते हैं। मतलब ये इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा जगह, बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों पर वहाँ की जगह नहीं होती, बट भाई ने यहाँ पर नमाज की जगह वहाँ मेरे बगल की मत अदा कर दी, मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आपने अभी शेयर करूँ, अगर आपकी कोई दुकान है या कोई बड़ी जगह पर आपकी दुकान है तो आपको चाहिए कि आपको कितनी जगह होनी चाहिए या क्या जगह नमाज पढ़ें। मैंने अभी एक एक्सीडेंट विटनेस किया है, और मतलब इतने जोर के वो भाई बाइक से गिरे, दो भाई थे पीछे वाले भाई को मतलब वो साइड पर आप लेकर गए, और मतलब बहुत बुरा पेशेंट होता, किसी हद तक बच के लगी उनको है, कहते थे वो सर पर भी लगी है बट मतलब बचत होती है, लेकिन बहुत बुरे के साइड पर लगी गए थे। अल्लाह करे कम चोटें आई हों, बच गए हों, लेकिन और ऐसे नहीं लगता ना यार आप एक्सीडेंट की वीडियो बनाओ जाकर, और ऐसे बता देना भी ठीक है क्या हुआ था देखा था, बट उसकी वीडियो बनाना और
मुझे बहुत पर्सनली डैश किसी की हरकत लगती है, उस वजह से मैंने वो चीज़ नहीं की। उसका टाइम हो गया और मुझे भी पैसे नहीं करवाने अकाउंट से। मैंने मुझे सख्ती कहा से कहा था दो दिन इनसे कोशिश करूँ कि निकाल लूँ, बस भूल जाता हूँ। आज मौका मिला तो आज पैसे निकलवा देते लाइट बैंक से। पैसे निकलवा लिए थे और बैंक के पास मुझे मेरे एक दोस्त मिल गए फूल टैंक के, उनसे बात हुई तो वो बता रहे थे कि जी मैं पढ़ता हूँ जेबिस में, अरे हमारे पास ही है ना इकरा के पास, और वहाँ से वो थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो बस ये गपशप हुई, वो लंबी लाइन थी लेकिन आपको पता है सफ़र या वक्त कितना भी लंबा हो या लाइन जितनी लंबी हो तो आप जो है वो गुजर जाती है, मतलब बात करते और से बात करते दोस्त मिल गए तो सख्त हो जाता। अच्छा यार मैं यूनिवर्सिटी से आ गया था तकरीबन 7:30 के करीब और मेरी आदत है कि मैं आगे सो जाता हूँ। तो अभी ये सीन है कि मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बाकी तो आपने सुन लिया होगा। दरअसल ये सेमेस्टर बहुत तेज़ गुजरा, मतलब तीनों बहुत स्पीड में गुजरे। 4 सब्जेक्ट उठाए थे मैंने और जिसमें से एक था कैमरा लाइटिंग टेक्निक्स, ऑडियो वीडियो, फिलासफ़ी एंड एलिस्ट्रेशन। उसमें से फिलासफी का पेपर था, बाकी का पेपर नहीं था, बाकी के सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये सेमेस्टर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रैक्टिकल काम सीखा, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ और काफ़ी नई नई चीज़ें भी सीखने को मिली। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे मतलब और भी इस तरह किस्म की चीज़ें होंगी। और मतलब मुझे काफ़ी कंटेंट में भी हेल्प मिलती है जब मैं मतलब डिफरेंट चीज़ें पढ़ता हूँ अपने सब्जेक्ट के अंदर, अपने डिग्री के अंदर। तो ऑब्वियसली ये जो डिग्री है हमारी ये काफ़ी रेलिवेंट है टू नो शूटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, उससे रिलेवेंट है। तो आई रियली लर्न अ लॉट इन दिस सेमेस्टर। 4 सब्जेक्ट उठाए थे बट वो भी काफ़ी वर्थ इट ड्रामे लिए। तो इंशाल्लाह अभी समझ भी लगाने हैं, इंशाल्लाह उसके भी ब्लॉग करेंगे हम लोग। और या 5वां सेमेस्टर भी लाइक फिर कुछ ही महीनों, मतलब कुछ महीनों बाद ही शुरू होगा। अब तो वैसे ऑफ हो गया यूनिवर्सिटी से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वो में आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त अल्लाह ने के बाद।